हेलो दोस्तों, मैं हूँ ग्यासुद्दीन अंसारी और मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल ओशियन ट्रिप में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे देहरादून के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा एक बहुत ही खूबसूरत और लोकप्रिय स्थान है जो कि देहरादून शहर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सहस्त्रधारा का मतलब हजार गुना बसंत है। यह झरना बहुत ही खूबसूरत और 9 मीटर गहरा है जो कि बालती नदी और उसके आसपास उपस्थित गुफाएं इसकी खूबसूरती में और चार चांद लगा देते हैं। और मानसून के दौरान सहस्त्रधारा की सुंदरता और बढ़ जाता है जिसके कारण यह पिकनिक स्पॉट बना रहता है। ऐसा माना जाता है इस झरने में सल्फर के कारण इस झरने का पानी औषधीय गुण बन जाता है जो कि बहुत सी स्किन रोगों में इसका फायदा मिलता है। इस पानी में चूना भी मौजूद है जिसकी वजह से गुफाएं बन जाती है। रोवर केव। पुरानी मान्यताओं के अनुसार रोवर केव एक चोरों के छुपने का जगह हुआ करता था, इसलिए इस गुफा का नाम डाकू गुफा पड़ गया। स्थानीय लोगों के अनुसार इस गुफा को गुच्चू पानी के नाम से भी जाना जाता है। घने वनों और हरे भरे वातावरण के बीच बना यह गुफा हर पर्यटक का मन मोह लेती है। यदि आप देहरादून जा रहे हैं तो रिवर कैब जाना ना भूलें। अगला स्थान टाइगर फॉल। चक्राता से 15 किलोमीटर की दूरी पर यह मौजूद है। चक्राता प्राकृतिक के गोद में बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। चक्राता देहरादून से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चक्राता में मौजूद टाइगर फॉल 80 से 90 मीटर की ऊंचाई से सीधा नीचे गिरता है। इसकी खासियत यह है कि यह झरना दूर से दिखाई नहीं देता। यदि आप प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए बेस्ट है जो आपके मन को शांति से भर देगा। अगला स्थान टपकेश्वर मंदिर। टपकेश्वर मंदिर देहरादून शहर के केंद्र से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक बहुत ही पवित्र मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में एक शिवलिंग है जहां छत से हमेशा पानी टपकता है जिसकी वजह से इसका नाम टपकेश्वर पड़ा है। इस जगह को गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा बसाया गया था, इसलिए इसको द्रोण गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर देहरादून के सभी पर्यटक स्थलों में से एक लोकप्रिय स्थल है जहां हमेशा पिकनिक स्पॉट बना रहता है। यहां आप हरियाली का मजा लेते हुए आप ट्रेकिंग कर सकते हैं। अगला स्थान तपोवन। तपस्या के स्थान को तपोवन कहा जाता है। तपोवन देहरादून शहर के केंद्र से राजपुर रोड पर 5 किलोमीटर की दूरी पर बहुत ही लोकप्रिय एवं सुंदरता से घिरा है। ऐसा मान्यता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने इस जगह तपस्या किया था। यह स्थान ट्रेकिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। यह स्थान बहुत ही रोमांचक दृश्यों से भरा पड़ा है जो कि आपको अपने जीवन में अवश्य देखना चाहिए। अगला स्थान लच्छीवाला। यह स्थान देहरादून से 22 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार ऋषिकेश रोड पर घूमने के लिए सबसे बेस्ट स्पॉट है। यह देहरादून की बहुत ही फेमस तथा सुंदर जगहों में से एक है जहां हमेशा पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। यह जगह घने जंगलों तथा प्राकृतिक सुंदरता से सभी पर्यटकों का मन मोह लेती है। यदि आप एडवेंचर तथा ठंडे पानी का मजा लेना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए उपयुक्त है। अगला स्थान मिंड्रोलिंग मोनेस्ट्री। एशिया का सबसे बड़ा मठ जो कि मिंड्रोलिंग मोनेस्ट्री है। यह मठ उत्तराखंड राज्य के देहरादून शहर के क्लीमेंट टाउन में स्थित एक तिब्बती बौद्ध मठ है। इस मठ को जापानी वास्तुकला शैली द्वारा बनाया गया है। इसमें लगभग 500 लामा निवास करते हैं और यहाँ अध्ययन करते हैं जिन्हें मुफ्त में सारी सुविधाएं दी जाती है। इस मठ का निर्माण कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने मिलकर सन 1965 ईस्वी में कराया था जिसमें तिब्बती, जापानी, चीनी और लद्दाखी कलाकार शामिल हैं।
यहाँ पे आप भगवान बुद्ध की 107 फीट ऊंची समाधि तथा 3 मंजिलों तक भगवान बुद्ध की जीवन पर आधारित चित्र आदि चीजें देखने को आपको मिलेगी, जो कि हर पर्यटकों के लिए यह एक आकर्षक का केंद्र बना रहता है। अगला स्थान मालसी डियर पार्क। मालसी डियर पार्क उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देहरादून में मालसी डियर पार्क प्रमुख रूप से वन्य जीव प्रेमियों के लिए यह एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। मालसी हिरण पार्क छोटे छोटे हिरण तथा मोर के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान प्राकृतिक प्रेमियों के लिए स्वर्ग है, क्योंकि यह पार्क वनस्पतियों और जीवों के लिए एक विस्तृत लोकप्रिय स्थान है। देहरादून जाने के लिए आप जॉली ग्रांड हवाई अड्डा तथा यहां देश के हर जगह से लगभग फ्लाइट मौजूद है, जिससे आप बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। देहरादून, शिमला, हरिद्वार, दिल्ली, ऋषिकेश, आगरा और मसूरी जैसे जगहों से डायरेक्ट बस सर्विस द्वारा जुड़ा है, जिससे आप आसानी से जा सकते हैं। ट्रेन से जाने के लिए दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, उज्जैन, चेन्नई, वाराणसी से आपको ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है, जिससे आप बहुत ही आसानी से यात्रा कर सकते हैं। देहरादून का एक मजबूत सड़क नेटवर्क है, जो कि दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि शहरों के राष्ट्रीय राजमार्ग से सीधा जुड़ा हुआ है, जिसे आप बहुत ही आसानी से ट्रेवल करके भी जा सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।